क्या आपको मालूम है स्टेटस क्यू क्या होता है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हमें कब बोलना चाहिए स्टेटस क्यू? अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। स्टेटस क्यू का मतलब होता है किसी चीज को पुरानी हालात में रहने दो, यानी किसी चीज को उसी हाल में रहने दो जिस हाल में वो है। लगता है आप समझे नहीं, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। मान लीजिए कोई पुरानी बिल्डिंग है और आप उसको मॉडिफाई कराना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो मॉडिफाई हो, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि इस बिल्डिंग को पुरानी हालात में रहने दो या इस बिल्डिंग को इसी हाल में रहने दो, यानी यह बिल्डिंग जिस हाल में है, मौजूदा दौर में जिस हाल में है, उसी हाल में छोड़ दो या उसी हाल में रहने दो। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लेट दिस बिल्डिंग स्टेटस क्यू, यानी इस बिल्डिंग को इसी हाल में रहने दो या अभी जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहने दो। मान लीजिए किसी जमीन को लेकर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया और कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि इस जमीन को ऐसे ही रहने दो, यानी यह जमीन अभी जिस हाल में है उसी हाल में रहने दो, यहाँ कोई भी नया काम शुरू न करो। तो यहाँ पर आप बोलेंगे स्टेटस क्यू। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो जज ने आदेश दिया कि इस जमीन को इसी हाल में रहने दो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द जज ऑर्डर्ड लेट दिस फील्ड स्टेटस क्यू, यानी जज ने आदेश दिया कि इस जमीन को इसी हाल में रहने दो, यानी ये अभी जिस हाल में है उसी हाल में छोड़ दो। अगर आपको कहना हो वर्तमान हालत सुधारने की कोई जरूरत नहीं है, यानी अभी मौजूदा दौर में जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, इसको सुधारने की कोई जरूरत नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर इज नो नीड टू चेंज स्टेटस क्यू, यानी मौजूदा हाल को बदलने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने इस बात को शानदार तरीके से सीखा कि स्टेटस क्यू का मतलब होता है किसी चीज को उसी हाल में छोड़ देना जैसे वो है, यानी प्रेजेंट टाइम में जैसा वो है वैसा ही छोड़ देना, उसमें कोई चेंजिंग ना कराना। तो अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को शानदार तरीके से सीखा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।